टू रोज की हलचल। सो गाइस, टुडे इज जमाई षष्ठी। तो जमाई षष्ठी जो होता है वो बंगालीज का एक स्पेशल ओकेशन होता है। सारी बंगाली सासू माएं अपनी जमाई के लिए फास्टिंग रखती है और उनको बहुत ही अच्छा डिलीशियस भोजन कराती है। तो मेरी मम्मी ने भी अपनी जमाई को शादी के 3 साल बाद इन्वाइट किया है। 3 साल बाद इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि वो पहले जितनी भी जमाई षष्ठी था सब टाइम में वो बाहर ही जाता था। ही यूज्ड टू बी आउट ऑफ कंट्री बिकॉज ऑफकोर्स हिज जॉब। तो इस साल ही इज हेयर। तो मम्मी ने बोला अब तो मैं पक्का उसको बुलाऊंगी और खिलाऊंगी। लेट्स सी आज घर में क्या क्या बना है। पहले ब्रेकफास्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे लंच, लंच में क्या क्या बना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, आज शुरुआत हो गई है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की। यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पापा लेके आए अभी मार्केट से। राहुल ज़्यादा फ्रूट्स पसंद नहीं करता इसलिए थोड़ा कम कम करके ही फ्रूट्स आए हैं। या लीचू देखिए कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मीठे मीठे जामुन है, यहाँ पे खोई चीरे है और दही के साथ खिलाते हैं। तो ये है पूरा ब्रेकफास्ट का प्लेटर। तो यहाँ पे है पूरी, छोले, दही चीरे और खोई विद केला, 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड 5 टाइप्स ऑफ स्वीट। तो दही चीरे और जो है वो मस्ट है जमाई षष्ठी के ब्रेकफास्ट में, तो खिलाना ही पड़ता है। और अब हो रही है यहाँ पे राहुल की आरती। तो वो जो पान का पत्ता रखा हुआ था दैट इज फॉर हिज आरती ओनली। तो यहाँ पे हो रही है उसकी आरती। पान पाता और धूपों से मम्मी उसकी आरती कर रही है। तो आरती करते वक्त मेरे बेटे को देखिए बैकग्राउंड में, वो कितना शौक हो गया उल्लू का आवाज से। उसको लग रहा है पता नहीं सब क्यों चिल्ला रहे सडनली, एकदम शौक था। अब पुराने रिचुअल्स, हाथ भागा से अपने जमाई को हवा कर, ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल है जो हर सासू माँ अपनी जमाई को करती है। जमाई षष्ठी के दिन हाथ पाका से उनको हवा देती है जब वो खाते हैं, और अब नीमो को भी वो हवा मिल रहा है। तो ये है पूरा खाना जो अभी राहुल खाने वाला है। अब मम्मी उसको फिर खिलाएगी अपने हाथों से मिष्टी। तो वो बता दे रहा है कौन सा मिष्टी उसको पसंद है, वो उसको खिलाइए वो वाला। तो नाउ ही इज़ कन्फ्यूज कि उसको क्या खाना है क्या नहीं। तो वो जो उसको नहीं खाना है तो हम लोग को बोल रहा था इसको हटा दो, इसको हटा दो। बट मम्मी ने बोला आज जमाई षष्ठी है, आज तुमको सब खाना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करो लेकिन सब खाओ। अब चलते हैं लंच की तरफ, देखते हैं लंच में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे मम्मी सारी सब्जियाँ काट रही है 5 टाइप का भाजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी सारी सब्जियाँ काट के इसका 5 टाइप का भाजी बनाएगी। ये भी जमाई को खिलाया जाता है जमाई षष्ठी के दिन। अब चलते हैं किचन में, देखते हैं मम्मी किचन में क्या बना रही है। तो यहाँ पे मम्मी वो जितनी सब्जियाँ थी उसको भाज रही है एंड बगल में चिकन बन रहा है। मटन इसलिए नहीं बन रहा है बिकॉज मेरा हस्बैंड को मटन बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रहा है, तो ये कतला फ़िश है। तो इससे शायद मम्मी सरसों का कुछ बनाने वाली है, लेट्स सी क्या बना रही है इससे। और यहाँ पे बन रहे हैं प्रॉन्स। तो प्रॉन्स को मम्मी ने भाज के रख दिया है, लेट्स सी मम्मी क्या बना रही है प्रॉन्स। चिंगड़ी माछर मलाई करी जमाई जन स्पेशल बन रहा है। अपने जमाई के लिए स्पेशल चिंगड़ी माछ का मलाई करी। राहुल को चिंगड़ी माछ का मलाई करी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये देखिए रेडी हो गया चिंगड़ी माछ का मलाई करी। वाओ कितना डिलीशियस लग रहा है, मुझे मन करे मैं अभी खा लूँ। लेकिन मम्मी ने बोला जमाई को खिलाने से पहले खुद उसको टेस्ट भी नहीं करना है। तो ये बन गया चिंगड़ी माछ का मलाई करी। अब बन रहा है सरसों से कतला फिश। तो राहुल को सरसों वाला कतला फिश पसंद है इसलिए सरसों वाला ही बन रहा है। तो अब चलते हैं देखते हैं लंच में। यहाँ पे है स्वीट्स, मिष्टी दोई, देन देर इज़ गोल्दा चिंगड़ी फ्राई, चटनी, सरसों कतला, मटर से दाल, फिर ये चिंगड़ी माछ का मलाई करी, चिकन कस्सा, देन देर इज़ बैगन भाजा, पटल भाजा, भिंडी भाजा एंड तेलापिया फ़िश फ्राई जो राहुल का फेवरेट है। यहाँ पे राहुल कंफ्यूज है और वो मुस्कुरा के सोच रहा है वो क्या खाए क्या नहीं खाए। पर मम्मी ने बोला है सब खाना है, तो उसने थोड़ा थोड़ा करके सब टेस्ट किया और उसको सबसे ज़्यादा टेस्टी चिंगड़ी माछ का मलाई करी लगा था। और फाइनली मम्मी ने दे दी अपने जमाई को गिफ्ट। सो दैट्स इट गाइज, इस तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया जमाई षष्ठी।